जब आप कुछ खाते हैं तो खाना और पानी आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से गुजरकर आपके जिस्म के लिए जरूरी वाइटल न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी में तब्दील होता है। ये जीआई ट्रैक्ट एक लंबा मस्कुलर ट्यूब है जिसके पास अपना ही एक नर्वस सिस्टम है जो हमारे स्पाइनल कोर्ड से 5 गुना ज्यादा नर्व्स रखता है। ये नर्व्स पेरिस्टाल्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में खुराक को आगे बढ़ाता है। सिस्टिक फिब्रोसिस के मरीजों के लिए CFTR म्यूटेशन नर्व्स में बेहतर काम करने में रिकावट डाल सकता है जो खतरनाक प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। हमारे गले के आखिरी हिस्से में मसल्स होते हैं जिसे हम लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर कहते हैं। ये तेजाब को स्टमक से वापस ऊपर जाने से रोकता है। ये सिस्टिक फिब्रोसिस में कमजोर हो जाता है। एक बार जब खाना स्टमक में दाखिल होता है तो ये गैस्ट्रिक एसिड और दूसरे फ्लूइड्स के साथ मिलकर डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। मस्क्यूलर सैक पैट के आखिर में पाइलोरिक चैनल के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे खाने को छोटे टुकड़ों में तब्दील किया जा सकता है। जब CFTR म्यूटेशन में नर्व्स खराब होते हैं तो स्टमक मुमकिन है कि पैरालाइज्ड हो जाए। इस कंडीशन को गैस्ट्रोपरिसिस कहते हैं। इस कंडीशन में स्टमक नहीं फैलता जिस वजह से खाना खाने के वक्त पेट भरा महसूस करते हैं और स्टमक खाली भी नहीं होता जिससे नौसिया, वॉमिटिंग और ब्लोटिंग हो सकता है। ये तेजाबी रिफ्लेक्स बढ़ाता है और वजन की कमी का सबब भी बनता है। पैनक्रियास और बाइल सिक्रीशन हजम के लिए लाजमी हैं। हेल्थी पैनक्रियास जिस्म का कुदरती एंटी एसिड तैयार करता है जिसे बाइकार्बोनेट कहते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए अहम होते हैं। इसमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स भी होते हैं। बाइल लिवर में बनता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करता है। जब पीसा हुआ खाना स्टमक से निकलकर इंटेस्टिन में जाता है तब बी कार्बोनेट स्टमक के तेजाब को बेअसर करता है और पैनक्रियास के एंजाइम्स और बी कार्बोनेट को काम करने के लिए बेहतरीन पीएच देता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस की बीमारी में पैनक्रियास के एंजाइम्स नालियों में रख जाते हैं जो एंजाइम्स को स्मॉल इंटेस्टिन में जाने से रोकती हैं और आखिरकार पैनक्रियास में दाग हो जाते हैं और कम से कम एंजाइम्स बनते हैं। 20 फुट लंबा स्मॉल इंटेस्टिन वो जगह है जहां 90% फूड हजम होता है और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल और एंजाइम्स के साथ मिक्स होने के लिए इंटेस्टाइन में फ्लूइड खारिज करता है। ये एक पतला पानी जैसा मिक्सचर पैदा करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा डाइजेस्टन और न्यूट्रिएंट्स को इंटेस्टीन की लाइनिंग के सेल्स में एब्जॉर्ब किया जा सके। स्मॉल इंटेस्टीन में रहने वाले बैक्टीरिया भी अब्सॉर्प्शन में मदद करते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस की बीमारी में क्लिया के मरने का रेशियो कम हो जाता है जिससे गैस पैदा होता ये बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। पेट में दर्द और डिस्टेंशन पैदा हो सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के मरीजों में जरूरी न्यूट्रिएंट अब से ऑर्ब नहीं होती। लार्ज इंटेस्टी या कोलन वेस्ट को जमा करने के रिस्पांसिबल है। CF के मरीजों में चिपचिपा बलगम और कॉन्स्टिपेशन होता है जिससे स्टूल का गुजरना मुश्किल हो जाता है। CF को ज्यादा बैक्टीरियल कीड़ों के साथ भी बदल सकता है जो दर्द का सबब बन सकते हैं और लार्ज इंटेस्टी के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के गेस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर बहुत अफेक्ट्स पड़ते हैं।